हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ई पार्टी के करंट अफेयर्स के सेशंस में। आज का हमारा टॉपिक है नाबार्ड। हम जानेंगे कि नाबार्ड है क्या, इसका काम क्या है, इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है और इससे रिलेटेड चंद इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला, नाबार्ड है क्या? देखिए, इट इज अ डेवलपमेंट बैंक। नाबार्ड जो है वो एक बैंक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, फोकसिंग प्राइमरली ऑन द रूरल सेक्टर ऑफ द कंट्री। तो नाबार्ड जो बैंक है वो प्राइमरली रूरल सेक्टर को ही टारगेट करता है। पूरे इंडिया में जो रूरल सेक्टर है, चाहे वो एग्रीकल्चर रिलेटेड हो, आर्टिसन रिलेटेड हो, छोटे छोटे जितना भी माइक्रो क्रेडिट को प्रोवाइड करना हो वो नाबार्ड ही देखता है। इट इज़ एपिक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड फाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अर्बन नहीं, रूरल जो कोई भी है वो नाबार्ड ही देखता है। जैसे कि अभी हमने कहा कि एग्रीकल्चर हो या फिर आर्टिजन हो, कॉटेज इंडस्ट्रीज हो, बीडी मेकिंग हो, जितने भी इंपॉर्टेंट अंडरटेकिंग्स होंगे रूरल डेवलपमेंट के लिए वो नाबार्ड से ही किए जाते हैं। इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन मुंबई, द कंट्रीज फाइनेंशियल कैपिटल। तो नाबार्ड का कैपिटल जो है वो मुंबई में ही लोकेटेड है। आइए इसके रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है इसके बारे में जानते हैं। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज। अभी जो हमने देखा कि रूरल एरिया के डेवलपमेंट का जो काम सौंपा गया है ये इसी के बारे में सोचता है। तो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड एनी अदर सच विलेज और रूरल प्रोजेक्ट्स। जो कोई भी रूरल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, एग्रीकल्चर रिलेटेड हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो, कॉटेज इंडस्ट्रीज हो, ये उसके लिए क्रेडिट प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, उन्हें डेवलप करने की कोशिश करता है। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। देखिए, स्टैट्यूटरी बॉडी वो होते हैं जो एक एक्ट के तहत बनाए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो होते हैं जिनका रेफरेंस हमें कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है, एग्जाम्पल UPSC या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो नाबार्ड जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1982 अंडर पार्लियामेंटरी एक्ट नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981। तो आप देख सकते हैं कि नाबार्ड जो है वो एक्रोनिम है इस नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का। फंक्शंस, इसके फंक्शंस क्या है? इट प्रोवाइड्स रीफाइनेंस सपोर्ट्स फॉर बिल्डिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। जाहिर सी बात है कि रूरल रिलेटेड जो कुछ भी है वो यही डील करता है। इट प्रिपेयर्स डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रेडिट प्लान्स टू गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग द बैंकिंग इंडस्ट्रीज इन अचीविंग दीज टारगेट्स। तो ये बैंकिंग सेक्टर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं उन सभी से जो है ये कोऑर्डिनेट करता है। उन सभी को ये कहता है कि आप रूरल क्रेडिट प्रोवाइड कीजिएगा ताकि एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो, आर्टिजन्स हो, उन्हें डेवलप करें। इंडीड, आप सभी जो है वो डेवलपमेंट के प्रोसेस को डेमोक्रेटाइज करें। महज अर्बन एरिया में ही आप जो है क्रेडिट फैसिलिटीज वगैरह डेवलपमेंटल वर्क्स ना ले, रूरल एरिया को भी आप कॉन्सेंट्रेट करें। इट इज़ इन्वॉल्व इन डिजाइनिंग यूनियन गारमेंट्स डेवलपमेंट स्कीम्स एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन। दरअसल सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत क्लोजली रिलेट करता है, बहुत क्लोजली वर्क करता है नाबार्ड के साथ, चाहे वो पॉलिसी मेकिंग में हो या फिर स्कीम इम्प्लीमेंटेशन हुए हो। इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू हैंडीक्राफ्ट आर्टिसंस एंड हेल्प्स देम इन डेवलपिंग अ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म फॉर सेलिंग दीज आर्टिकल्स एक्सेट्रा। तो इस तरीके से कई अच्छी खासी काम करता है मदद, कई इंपॉर्टेंट ऐसे छोटे छोटे जो रूरल डेवलपमेंट के काम्स है वो भी करता है नाबार्ड। आइए दोस्तों, आज का नॉलेज बूस्टर। श्री एम रामकृष्णैया जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी थे ओडिशा, ही वॉज अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड नाबार्ड विच ही सर्व्ड बिटवीन 1982 टू 1984। तो सबसे पहले चेयरमैन जो थे वो एम रामकृष्णैया थे। दरअसल ये RBI में काम करते थे आफ्टर वर्किंग एज चीफ सेक्रेटरी ऑफ ओडिशा, तो वहाँ से उन्हें नाबार्ड का चेयरमैन बनाया गया था। द करंट चेयरमैन ऑफ नाबार्ड इज गोविंद राजोलू चिंताला। दरअसल ये एक सीनियर एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं फ्रॉम AP आंध्र प्रदेश गुंटूर डिस्ट्रिक्ट। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी नाबार्ड के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ई पाटिया।